नमस्कार, स्टेट वाइज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। किसी भी राजनीतिक दल ने वकीलों के हित में कोई घोषणा नहीं की है। भाजपा सरकार में पूरे 5 साल छुट्टा साढ़ किसानों की फसलें बर्बाद करते रहे। किसानों का गेहूं लागत मूल्य से कम पर खरीदा गया। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर सिर्फ राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी ही ले जा सकती है। लखनऊ बीकेटी विधानसभा से नामांकन करने वाले राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी पंकज सिंह ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि समाज को तोड़ने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। अब तक जितने भी दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही हैं, उन्होंने सिर्फ अपना हित साधने का काम किया है, किंतु अब राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में प्रदेश में उतरेगी और हम प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि घोषणाएं तो बहुत की जाती हैं, किंतु उस पर अमल कम होता है, लेकिन अब हमारी पार्टी बदलाव लाने का काम करेगी। चुनाव को देख रहे हैं। मैं बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ, पंकज सिंह, पेशे से अधिवक्ता हूँ। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम क्षेत्र में छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, सब किसानों की फसलें छुट्टा जानवर खाए जा रहे हैं। वकीलों के लिए किसी भी पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की। जो स्कूल हैं, स्कूल बंद हो गए, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके जो शिक्षक हैं वो बेरोजगार हो गए। तो हम इन्हीं सब मुद्दों पर, विकास के नाम पे जीरो है, किसानों की लागत जो है फसलों में, गेहूँ की 19 रुपये लागत आ रही है और 18 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है, तो पूरा क्षेत्र, पूरी प्रदेश की जनता हाल बेहाल है। तो उसमें इस महंगाई को कम करने के लिए, क्षेत्र में विकास, बिजली पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी पार्टी का नाम क्या है? मेरी पार्टी का नाम राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी। कितने प्रत्याशी उतारे हैं पार्टी ने? आपको क्या लगता है कि कानून का जो राज है कौन सी सरकार दे सकती है? हमारे हिसाब से कानून का राज जो है राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी ही दे सकती है, और मैं कानून का राज के बारे में जानता हूँ। मौजूदा सरकार है उसका सिस्टम बहुत ही, स्थिति उसकी खराब है, तानाशाही है। जो योगी सरकार है बिल्कुल तानाशाह बने हुए हैं। गायों को छुट्टा छुड़वा दिया है, गौशाला का बताया, प्रोजेक्ट बताया कि हर गांव के ग्राम पंचायत में गौशाला या न्याय पंचायत में गौशाला बनेगी, लेकिन कहीं कोई गाय गौशाला नहीं है। छुट्टा सांड, छुट्टा गाय किसानों को प्रताड़ित किए हुए हैं। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उसको जेल में ठूस दिया जाता है, उसका इनकाउंटर कर देने की धमकी दी जाती है। लखनऊ से स्ट्रीट बस के लिए कैमरा पर्सन अनिल तिवारी के साथ देवेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।